इंसान के ऊपर है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने थक हार कर बिलाखिर हमारे 4N के न्यूज के थ्रू चाहा कि वो अपना ये मैसेज आप तक पहुंचा सके। तो जानने के लिए आप ये पूरा एपिसोड जरूर देखिए। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल, प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 22 में संडे 2022 एक बार फिर हमारे साथ इमरान खान, जो कंसल्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के, वो बताएंगे आपको, वो रोशनी डालेंगे कि जो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट होता है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है और उस सर्टिफिकेट के जरिए वो अपनी जिंदगी में क्या क्या गवर्नमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं, ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, इस सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, इन डिटेल्स में इमरान खान आपको बताएंगे। मेरा नाम इमरान है और मेरा जो एड्रेस है ऑफिस का वो DCB बैंक के सामने हस्ताबाद नियर अंजीरवाड़ी माजगांव मुंबई नंबर 10। मैं आज इस यहाँ पर आया हूँ कि लोगों को ये बताने कि ये जो डिसेबल सर्टिफिकेट होता है ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और इसकी गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स देती है, क्या बेनिफिट मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो डिसेबल सर्टिफिकेट बनती है ये बहुत अलग अलग टाइप के पर्संस के लिए बनती है। एक तो वो होता है जिसको आँख से दिखता नहीं है, दूसरे वो होते हैं जिनको सुनना और बोलना नहीं आता है, तीसरे वो होते हैं जिसको पैरालाइज होता है, चौथा वो होता है जो मेंटल इल होता है, पांचवा वो होता है जो मन बुद्धि होता है, किसको पोलियो मारा हुआ रहता है, किसी का एक्सीडेंट के द्वारा हाथ कट गए, पैर कट गए, तो ये सब डिसेबल पर्सन होते हैं। अब ये डिसेबल पर्सन ऐसे होते हैं कि वो डिपेंडेंट होते हैं फैमिली पे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसे कैसे बनाया जाता है और ये बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है करके। आप अपने जो भी लोकल एरिया के हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे जे है, केम है, नायर है, साइन है, राजावाड़ी है, तो वहां पर आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और वो ऑनलाइन फॉर्म में कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेना नहीं होता है, आपका एक फोटो होता है, सिग्नेचर होती है और आपका आधार कार्ड होता है, वो ऑनलाइन आपको जाकर के अपलोड करना होता है। अब ये अपलोड करने के बाद में ऐसा होता है कि आपके जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपका कौन केयर टेकर है, ब्लड ग्रुप क्या है, एड्रेस क्या है, आपको क्या क्या चीजों से आप डिसेबल हो गए, वो सब आपको मेंशन करके सबमिट करना पड़ता है। उसके दो सेट निकालना पड़ता है कलर जेरोक्स में, और अगर आपके साथ में कुछ ऐसे फाइल्स है जो आपके डिसेबिलिटी से ये होती है, मैच होती है, तो वो आप अपना हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, जहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर हेड क्लर्क होता है, वो हेड क्लर्क में जाने के बाद में वहां पर आपका वो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए थे उसको वो चेक करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि कौन से वार्ड में आपको जाना है करके। अब इसके बाद में ये जब हो गया, ये कैसे बनाना है, अब मैं इसके बारे में आपको ये मालूमात दूंगा, ये जानकारी दूंगा कि ये जो डिसेबल सर्टिफिकेट बनती है इसकी क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है और क्या स्कीम गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा, जो पर्सन डिसेबल होता है उसको स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स मिलती है, गवर्नमेंट में रिजर्वेशन जॉब मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस BHT है, इसके अंदर कंसेशन मिलते हैं और इसके अंदर लोन आपको बिजनेस करने के लिए लोन मिलते हैं। और उसके अंदर भी अभी भी एक चीज है, जैसे आप देखे होंगे कि BMC के जो स्टॉल्स बनते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत अभी BMC और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इसके ऊपर चल रहा है, तो आगे फ्यूचर में अगर वो पास करता है तो एक हैंडीकैप को ये स्टॉल भी देते हैं। तो ये सब बेनिफिट आपको डिसेबल सर्टिफिकेट से मिलता है। अब इसमें मैं दूसरी एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको, जो
जो ये होता है कि 40-70% जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको वो कलेक्टर ऑफिस से पेंशन आती है, वो पेंशन 1,000 रुपीज होता है और वो पर मंथ मिलता है करके, और जो 70 के ऊपर जाते हैं उनको 2,000 रुपीज पर मंथ उनको कलेक्टर ऑफिस देती है करके। और इसमें सबसे अहम बात अब ये हो गई है कि पहले जब ये डिसेबल सर्टिफिकेट बनती थी तो वो ऐसा होता था कि हाजी अली से बनती थी, लेकिन हाजी अली से कुछ ऐसा हो गया कि वहां से इशू करना बंद कर दिया और जेजे को इन्होंने किया था। अब ऐसा हो गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन अब ये जो आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन जा करके कर रहे हैं जिसको सोशल जस्टिस के एक्ट में आता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो ऐसा है कि आप महाराष्ट्र में हैं, यूपी जा रहे, मद्रास जा रहे, गुजरात जा रहे, राजस्थान जा रहे, तो ये कहीं पे भी अप्लीकेबल है। मेरा नाम इमरान खान है, मेरा मोबाइल नंबर है 7208382925। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7208382925। मेरा एड्रेस है अपोजिट डीसीबी बैंक, हसनाबाद, नियर रंजीतवाड़ी, माजगांव, माउंट रोड, मुंबई नंबर 10। आपको कोई भी चीज की हेल्प लगेगी मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो इमरान खान ने आपको डिटेल्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे, और इन फ्यूचर जब भी आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है, डिसेबल सर्टिफिकेट बनाना है, आप यकीनन इमरान खान से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स को ये वीडियो काफी कारामद होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो एपिसोड है और ये जो वीडियोस है वो आपको पसंद आए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इसे आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।